कोहरा कोहरा हो रहा है, बहुत सही सा लग रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रीडेटर के ब्लॉग्स। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है डलगोना कॉफी की। तो क्या है ये? नहीं, ये डलगोना कॉफी नहीं है, ठीक है, ये जो भी है मतलब वो कहते हैं बीटेड कॉफी, राइट? हाँ, मतलब बीटेड कॉफी की तैयारी हो रही है। दिस लुक्स सो क्रीपी, मुझे इससे किसी की याद आ रही है। बाहर जाएंगे मेरे भाई, भाग नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे और मस्ती करेंगे। विस्कोसिटी टेस्ट समझने वाले समझ गए। मम्मी यहाँ पे मेरा व्लॉग देख रही है, हैं? कैसा लगा ये वाला? ठीक ठाक। बाय द वे 9 बज गए एंड हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह 8 बजे निकलेंगे और यहाँ पे अभी 9 बज चुके हैं। अब प्रभु तुम अंदर आके बैठोगे? चल बैठ चुपचाप, गेट लगा ले गेट। हाँ, आगे पूरी जगह ही जगह है, देखो कितनी जगह है। जय श्री राधे। सो फिर अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, रेस्ट के लिए। मेरे भी करीब 200 किलोमीटर हो गए ड्राइव को। मैं पकड़ने के लिए कह भी नहीं रहा, तुझे बस खाने हैं। खाएगा नहीं तू तो रख ले फिर, कॉफी पी रहा तो इसको रख दे वहीं पे, मैं खा लूंगा थोड़ी देर में। ये गोलगप्पे। नहीं नहीं, हाथ बड़ा था। ये है इस देश के जिम्मेदार नागरिक जिन्होंने अभी कॉफी का कप है ना रोड पे फेंका और इतनी सुंदर जगह में इतनी गंदगी फैला रहे हैं। ये है वो लोग, ध्यान से देखो इसको, तेरे ऊपर है ना फॉरेस्ट वाले है ना केस कर देंगे मेरे भाई। और यहाँ पे है ना सीट चेंज कर ली गई है, इसको मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है और मेरे को तो इसके साथ बैठना पसंद है, वो मेरे पास है। ओहो नए नए दोस्त। यू कैन डू इट बॉडी, लेट इट बी, वेरी गुड बॉडी, आई नो बॉडी, यू कैन डू इट बॉडी, गो बॉडी, यू कांट डू इट बॉडी, आपके भरोसे हमने वो, अबे यार इतना अच्छी जगह थी फिर क्यों चढ़वा रहे थे हमसे। तो हम लोग कासगंज तो जा रहे थे लेकिन यहाँ पे बीच में मम्मी को थोड़ा सा किसी से मिलना था तो हमने एक छोटे से गांव में आ गए हैं, उनकी बुआ जी रहती हैं। तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी, जहाँ पे पार्क करी है, और हनी भाई यहाँ पे देने वाले हैं मजे, फुल मजे। और वो मजे क्या है भाई, बैंड से भी अच्छी गाड़ी है हमारी, देखो कप होल्डर्स, कप होल्डर्स, ओह माय गॉड कप होल्डर्स है, और कप होल्डर्स हो गए अब। अच्छा, इन वाले ग्लासेस से पता चल रहा है ना क्या होता है इन वाले ग्लासेस का? तो ये बातों में है ना धूप भी निकल आई है, अब निकलेगी हनी की सुबह से बनी हुई कॉफी। दिखा गर्मा गर्म, एंड ये हमारी कॉफी आ गया। क्या आप लोगों ने इन ग्लासेस में कुछ गलत समझा था क्या? हम उन घरों से नहीं है मेरे भाई, हम है इन ग्लासेस में कॉफी पीने वाले, क्योंकि जब शादियां होती है ना भाई, शादियों में ग्लास कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही ग्लास पकड़ा पानी इनका ढेर डाला कॉफी इनमें। और देखो ये गर्म कितनी है, देखो इसमें से वेपर्स निकल रही है, देखो। और ये सुबह 7 बजे कॉफी बनाई थी भाई साहब ने, और अभी टाइम हो रहा है 1:15 अप्रोक्स, तो अभी टाइम है कॉफी का। और यहाँ पे सब लोग आसपास में देखे जा रहे हैं हम लोगों को, ऐसे एलियन है। थैंक्स फॉर द कॉफी ब्रो, और ये कॉफी वाकई में बहुत गर्म है। हाँ मतलब अच्छी भी है लेकिन गर्म ज्यादा है, क्योंकि कॉफी गर्म अच्छी लगती है, तो फिर गर्म पहले है अच्छी बाद में। गाइस टेक अ सिप ऑफ इट, एंजॉयिंग इन द कार। ये हमारा पूरा एक बोर्ड बुक कर सकते हैं, अभी हमारे पूरा एक बोर्ड बुक कर। गाड़ी से बाहर निकल के आ गए हम लोग सरसों के खेत में, बहुत बुरा था ना, मुझे पता है मैं ऐसे ही काम करता हूँ, तभी तो एंटरटेनमेंट आता है घर में। तो हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, वापस क्यों जा? अरे सांप अभी हाइबरनेशन में चला गया। देखिए ये देख बबरा, क्या बबरा बबरा, भाई गाड़ी की चाबी। ये नाइस कैचर, बेकार कैचर। अब होगा इन दोनों का फोटोशूट, कपल फोटोशूट है। मम्मी पापा हाथ पकड़ो, अलग ही मस्ती सूझ रही है। हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, ये बेटे ले पूरी गाड़ी साफ कर दे, जा शाबाश मेरे चीते, शाबाश। हाय गाइस, वी आर डूइंग एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग्स, वी वांट टू सी द शॉट्स बडी। नो बिल्कुल नहीं भाई, अच्छा लग रहा है, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है,
वो कुछ नहीं करेगा। आए चलो अंदर। हनी इस खिड़की पे खड़ा हुआ और यहाँ पे व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओ भाई ओपी भाई। चलो अब डायरेक्ट पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे अपने आज की डेस्टिनेशन पे। हनी और मैं शहर की गलियों में गुम हो चुके हैं। नहीं नहीं हम गुम नहीं हुए फिर। अच्छा हम लोग अपने डेस्टिनेशन जा रहे हैं। अच्छा हो गया सत्यानाश भाई रुक जा हमें जाने तो पहले। एक्चुअली हमें इधर से काम था। हेलो हेलो हाय तेरे दांत खराब हो गए बिल्कुल। अरे अरे मेरे पैर एक मिनट भाई तू वैसे मामा हुआ तू अच्छी तरह कर अच्छी तरह सब बात ठीक है छू लेते हैं यार हम तो गिरे हुए आज। ठीक है खुश आशीर्वाद तो दे दो प्रभु जय राम जी की। आप तो आते ही इसको दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। अमीर लोग आ गए। ओम फो। अच्छा बताओ आपके घर पे फेमस व्लॉगर आए हुए हैं तो कैसा फील हो रहा है आपको? यस व्लॉग करेंगे। हो गए पागल। चले। तो जल्दी तैयार हो जाओ भाई साहब आप भी। ये करना जरूरी है। ओने नानू भाई बोलते आ जाओ खुली भाई साहब आ जाओ। सर अंदर रख दो सामान। ओम फो ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये है खुशी का पोर्टफोलियो। ऊपर है मोनू भाई का और सबसे टॉप पे है मेरा और मामा जी का। थैंक यू आप आए हमारा काम बटाने के लिए। लेकिन हमारा काम है कि ये जितने भी बिस्तर हैं उनको पहुंचाना है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तुम हो जाएगा काम 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग आज अपने कासगंज पहुंच गए हैं। क्यों आए हैं ये आपको कल या परसों तक पता चल जाएगा क्योंकि शायद परसों तक पता चल जाएगा हम यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही क्योंकि आज हमने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं बस इतना ही किया था। हम लोग घूमे फिरे थे बस यहीं पे और पूरा रास्ता आप लोगों ने देख ही लिया है। बस बीच में एक जगह रुके थे हम लोग नानी के घर पे। वो छोटा सा गांव था और बड़ा मजेदार। हमने वहां पे चूल्हे की रोटी खाई थी और वाओ। बट मैंने वो कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो मोमेंट मैंने जिया था। कैप्चर नहीं किया लेकिन मैंने उस मोमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से जिया था। और मैं आपको बता नहीं सकता गांव की चूल्हे की रोटी कितनी मस्त होती है। मे बी व्लॉग में डिलेज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। नहीं सब कुछ है यहाँ पे वाईफाई भी है। मेरे को साइबर कैफे जाना पड़ेगा और अभी इस टाइम पे साइबर कैफे बंद हो गया क्योंकि मेरी रात की लास्ट एडिटिंग 11 बजे होती है और 11 बजे तक मतलब समझ रहे हो ना सारे कैफे बंद हो जाते हैं। तो मैं आराम से कल परसों जैसे टाइम मिलेगा तब टाइम निकाल के व्लॉग अपलोड में मारूंगा। बस टेंशन इस बात की कि पता नहीं अपलोडिंग स्पीड मेरे को अच्छी मिलेगी कि नहीं लेकिन देखते हैं अब जाके पता चलेगा। क्योंकि भाई अपना घर हो अपने घर में आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी हर विश पूरी नहीं हो सकती। तो ये छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट रहती है जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ व्लॉगिंग के लिए। खैर बस मैं अब इस व्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि मैं सुबह से ही चला हुआ हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैं तो अपने बिस्तर में आराम से अब आराम करके सोऊंगा और सुबह उठूंगा करीब 10-11 बजे तक। खैर अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब शेयर कर देना और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को आगे बोलो कि शेयर करें वो आगे लोगों को। क्योंकि भाई देखो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं एडिटिंग करता हूँ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ और आपको हर दिन डेली कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ तो एक शेयर एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो बाकी सब आप पे है अब आप हो जो करोगे। ठीक है अब मैं इस व्लॉग को अच्छे में एंड कर रहा हूँ। सो सी यू गुड नाइट टेक केयर एंड बाय।